फाइनली हमारी एंट्री हो चुका है नेटफ्लिक्स के ऑफिस में और चलिए अंदर से। तो आज है कृति सेनन का शूटिंग, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, मजा आएगा। और इधर दिखाता हूँ आपको सेटअप, देख सकते हैं किस तरह से पूरा तोड़ दिया गया है। ले ले। जो भी रिलीज हुआ है और नेटफ्लिक्स पे अपलोड हुआ है वो सारी पिक्चर यहीं से प्रमोशन होता है और हम लोग ही करते हैं। A few moments later. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों अभी रात का 11:29 हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। और हमको अभी फोन आया है, कल शूटिंग पे जाना है, मालूम है नेटफ्लिक्स के शूटिंग पे। तो वहाँ पे बड़ा बड़ा आर्टिस्ट आता है, आप लोग तो वीडियो देखे ही हैं जो मेरा 3 लाख प्लस गया है, वायरल हुआ है। तो वहाँ पे बड़ा बड़ा आर्टिस्ट आता है, तो वो सारी आप लोग को वीडियो दिखाऊंगा भाई। हाँ, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि भाई आप शूटिंग का वीडियो क्यों नहीं डालते हो, थोड़ा शूटिंग भी दिखा दिया करो। देखो शूटिंग में दिखाता हूँ थोड़ा मोड़ा, तो आप लोग को मैं दिखा ही देता हूँ, लेकिन क्या है ज़्यादा मैं नहीं डाल पाता हूँ, क्योंकि भाई शूटिंग डालूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, इसके लिए मैं शूटिंग नहीं डालता हूँ। और मेरा एक अलग कंटेंट रहता है कि शूटिंग में, बहुत लोग सोचता होगा ना कि फिल्म लाइन में शूटिंग में वर्कर पीछे, कैमरा के पीछे क्या क्या करते हैं, वो सारी चीज़ मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि हम लोग जो वर्कर हैं कैमरा के पीछे कितना मेहनत करते हैं, हम लोग कितना भाग दौड़ करते हैं, क्या खाना है, क्या पैसा है, ये सारी चीज़ आप लोग को मैं बताने की कोशिश करता हूँ। और पैसा भी बताऊँगा इसमें कितना बनेगा हम लोगों का, क्योंकि हम लोग का, आप लोग सोचते होंगे कि भाई पैसा पहले क्यों नहीं बताता है, तो क्या है कि पैसा भाई लास्ट में पता चलता है, जैसे 1.5 शिफ्ट हुआ कि 1 शिफ्ट हुआ कितना पैसा बना, इसके लिए लास्ट में पता चलता है कि पैसा कितना बना। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ये भी मालूम चलेगा आपको कि हम लोग को कितना पैसा मिला। तो चलिए क्या मिलते हैं नेटफ्लिक्स के ऑफिस में। फाइनली हमारी एंट्री हो चुका है नेटफ्लिक्स के ऑफिस में और चलिए अंदर से दिखाता हूँ यहाँ का स्टूडियो, जो कि अभी पूरा खाली पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। ये जो आप लाल कलर का देख सकते हैं ना, ये दीवार बनाया हुआ है, ये बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग दीवार, और इसके आगे आर्टिस्ट रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं अभी पूरा खाली है, जब इसमें लाइटिंग होगा तो ये पूरा के पूरा भर जाएगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि हम लोग वर्कर जो कैमरा के पीछे कितना मेहनत करते हैं, कितना काम करते हैं, वही सारी चीज़ दिखाने वाला हूँ। फिलहाल अभी देख सकते हैं पूरा लाइट हम लोग चढ़ा चुके हैं 4 मंजिल पे, जो कि लिफ्ट के द्वारा सामान हम लोग चढ़ाए हैं, और भाई काफ़ी मेहनत लगा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आप डब्बा देख सकते हैं लाल, इसमें पावर है करेंट, यहीं से पूरा सप्लाई होता है और हम लोग यहाँ पे लाइट ऑन करते हैं। ये सारा सामान अभी हम लोग ऊपर चढ़ा चुके हैं, जो कि ये बहुत बड़ा स्टूडियो है, और ये स्टूडियो है नेटफ्लिक्स का स्टूडियो है, और यहीं पर ऑफिस भी है नेटफ्लिक्स का, दोनों यहीं पर है, और हम लोग इसी में हमेशा शूट करने आता हूँ। फिलहाल जो आप लोग को मैं लाल कलर का उधर बॉन्डिंग दिखाया था यही था, और देखिए पीछा से किस तरह से लकड़ी का बनाया हुआ है, और ये प्लास्टिक का वाइट वाइट है ना, ये प्लास्टिक का उजला कलर का, ये प्लास्टिक का होता है। और बाहर भी देख सकते हैं हम लोग का पूरा इधर सामान फैला हुआ है, जितना भी है सब सारा के सारा लाइट का है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक पिक्चर बनाने में या एक छोटा सा एड बनाने में, एक छोटा सा मतलब 10-20 सेकेंड का एड बनाने में कितना सारा सामान लगता है, कितना आदमी लगता है, और कितना वर्कर उसमें मेहनत करते हैं। चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आगे यहाँ पे पोस्टर बहुत बड़ा लगा हुआ है, ये वही पोस्टर है जो बड़ा बड़ा पिक्चर जो नेटफ्लिक्स पे आता है ना, अपलोड होता है, वही पिक्चर यहाँ पे लगाया हुआ है, बहुत सारा पिक्चर है, ये देख सकते हैं लाइन से पूरा लगाया हुआ है। तो भाई आप लोग देख सकते हैं हम लोग किस तरह से काम करते हैं, भाई बहादुर की तरह लटक लटक के हम लोग लाइट बांधते हैं, हर चीज़ लगाते हैं, अपना सेटअप तैयार करने में भाई टाइम लगता है, क्योंकि काफ़ी सारा लाइट आता है यहाँ पे, 2-2 ट्रक 3-3 ट्रक कभी कभी आता है सामान यहाँ पे, तो वो सारी सेटअप रेडी करने में लगभग हम लोग को 8 घंटा 7 घंटा 5 घंटा 4 घंटा इस तरह से टाइम लग जाता है। फिलहाल अभी देख सकते हैं किस तरह से अभी पूरा स्टूडियो के अंदर हम लोग का सामान फैल चुका है, और हम अभी ऊपर चढ़ के बांध रहे हैं भाई। वहाँ पे मैं नहीं बोल पाया, अभी मैं डबिंग कर रहा हूँ स्टेज को, और बता रहा हूँ मैं अभी घोड़ा पे चढ़ा हुआ हूँ वहाँ पे, और एक बंदा उधर से चढ़ा हुआ है, और इधर से भी आप देख सकते हैं किस तरह से लाइटिंग होता है। तो आप लोग जो पिक्चर जो देखते हैं ना, आप लोग आप जब पिक्चर बन के आ जाता है और उसको आप लोग देखते हैं तो बहुत मज़ा आता है देखने में, बहुत प्यारा पिक्चर लगता है, लेकिन उसके पीछे भाई जो हम लोग वर्कर हैं, मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे वर्कर हैं, हम लोग तो एक लाइट वाले हैं, कैमरा वाले अलग है, स्पोर्ट बॉय अलग है, हाउस कीपिंग अलग है, बहुत सारा उसमें वर्कर लगता है, सेटिंग वाला अलग है, तो वो लोग भी बहुत सारा मेहनत करते हैं। जो आप दीवार देख रहे हैं ना लाल कलर का, उस सेटिंग वाले बनाते हैं, वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं भाई। तो दोस्तों अगर आप लोग वीडियो में अभी तक रुके हुए हैं तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं वो सारी चीज़ दिखाया हूँ आज, जो आज तक कोई भी भाई ऐसा वीडियो नहीं बनाया होगा, फिल्म लाइन के बारे में ऐसा नहीं बताया होगा, जो वर्कर काम करते हैं वो सारी चीज़ नहीं बताया होगा, मैं एक अच्छा से लेके एक बुरा चीज़ हर चीज़ बताया हूँ यहाँ पर, जो
भी हम लोग काम करते हैं सब चीज़ बताया हूँ, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तो दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि इतना तामझाम लगाने की क्या जरूरत है, एक दो भी लाइट लगा के शूटिंग कर सकता है आदमी। लेकिन भाई मैं बता दूं कि ये जो भी शूट होता है भाई बहुत अच्छा क्वालिटी में 4K 5K में शूटिंग होता है। तो अभी सेटअप लगाना बहुत बाकी है, तो हम लोग को बोला गया कि जाकर नाश्ता कर लो, तो चलिए आप लोग को नाश्ता भी दिखाता हूँ क्या क्या करते हैं। तो अभी सुबह सुबह का नाश्ता चालू हो रहा है, इसमें ये दिखाइए चेहरा सहित दिखाओ ना। तो ये है अभी दूध, अभी दूध पियेंगे। ये है अंडा, ये हमारे खीर भैया है, ये पक्का पपीता विटामिन का बाप, कभी खाते हैं फिर आपको अंदर का सेटअप दिखाऊंगा। तो बने रहिए। कलुआ के दिखा दूंगा दोस्तों, हम लोग शूटिंग तो बहुत जगह करते हैं, लेकिन जो भी नेटफ्लिक्स में हम लोग को खाना नाश्ता जो भी मिलता है भाई फैसिलिटी यहाँ पे अच्छा रहता है। तो नाश्ता करने के बाद में मैं सोचा कि आप लोग को कुछ मैं अपना भी कलाकारी दिखा दूँ। तो देख सकते हैं मैं अभी तिरंगा कलर का ट्यूब में कलर इफेक्ट बना चुका हूँ, और यही मैं ट्यूब यहाँ पे अभी अपडेट करूँगा। और मैं हर काम करता हूँ भाई, मैं ऑल अराउंडर हूँ, मैं सब काम करता हूँ भाई। जितना मेहनत करोगे उतना आप कमा पाओगे, चाहे जितना मेहनत करोगे उतना आप आगे बढ़ पाओगे। तो इसके लिए मैं कभी मेहनत से डरता नहीं हूँ, और जितना होता है उतना ज़्यादा मैं मेहनत करता हूँ भाई। मैं ज़्यादा और आगे बढ़ना चाहता हूँ भाई, इसके लिए मैं अभी यूट्यूब पे भी आप लोग के लिए भी वीडियो बनाते रहता हूँ। हर तरह से भाई मेहनत में मैं पूरा उतर चुका हूँ। तो दोस्तों हम लोग का काम में रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। अभी मैं ऊपर चढ़ा हुआ हूँ, मैं सोचा कि आप लोग को ऊपर से भी नीचे का कुछ सीन दिखा दूँ कि किस तरह से लाइटिंग हो चुका है। नीचे देख सकते हैं अभी नीचे का लाइटिंग पूरा हो चुका है, और अभी मैं ऊपर घोड़ा पे चढ़ा हूँ। सीढ़ी को मुंबई में घोड़ा बोला जाता है। ये भी भाई साहब काला भाई इधर चढ़ा हुआ है, और ये अभी कपड़ा को हम लोग ऊपर से बांध रहे हैं। अंदर में लाइट रहेगा, ऊपर से हम लोग कपड़ा बांध रहे हैं, पता है क्यों? वो लाइट सॉफ्ट होने के लिए। तो फाइनली दोस्तों हम लोग का पूरा सेटअप रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग, पूरा हर तरह से सेटअप रेडी हो चुका है। यहाँ पे कैमरा भी लग चुका है, और आगे जो आप देख रहे हैं चेयर लगा हुआ है, कुर्सी, वहाँ पे आर्टिस्ट बैठेगा, जो हीरोइन होगा वो बैठेगी वहाँ पे, और शूट चालू हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग आर्टिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी शाम का लगभग 2 बज चुका है, अभी हम लोग खाना खाने जाएंगे। तो अभी हम लोग खाना खाने आ चुके हैं, अभी रोटी और चावल भी है यहाँ पे, लेकिन मैं अभी रोटी खा रहा हूँ, तो रोटी लिया हूँ। और ये जो पीला आप देख रहे हैं ना, ये रसमाधरी है, और यहाँ पे पनीर का भी सब्जी है। यानी दोस्तों कृति सेना शाम को 4 बजे आई, और यहाँ पे मोबाइल चलाना अलाउ नहीं था, फिर भी मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, देख सकते हैं। अब यहाँ पे शूटिंग चालू होगा थोड़ी देर में। तो मात्र में 1 घंटा शूटिंग होने के बाद में अब हो चुका है हम लोग का पैकअप, जितना भी सामान है यहाँ पे, फिर अब सबको हम लोग चढ़ चढ़ के खोलेंगे, जितना भी सामान है यहाँ पे सबको लपेटेंगे, फिर लिफ्ट। अरे सुनवा पैकअप उसमें कहाँ पे आओ, बले कपड़ा के पीछे ना, क्या भाई पैकअप हो गया है, यहाँ टीवी को लगा हुआ है, हमारे काम है इसे निकालना और ढुकाना। भाई ये मजाक है, रियल मत समझ लेना। ले ले। चॉकलेट यहीं से मिला है, अभी देखे आप लोग छीना हूँ मैं। अच्छा है, कौन सी चॉकलेट पता नहीं, ना खाओ।
तो कुछ इस तरह से हम लोग सबको मिलकर जितना भी सामान रहता है उसको हम लोग फिर नीचे उतारेंगे अभी और अपने गाड़ी में लोड करेंगे, फिर उसके बाद में अपना ऑफिस पे ले जाएंगे, फिर वहाँ खाली करेंगे, उसके बाद में घर पे जाएंगे। भाई जाते जाते लगभग 11 बज जाएगा, 10-11 तो गारंटी है कि बज जाएगा। देख सकते हम लोग कितना ये सब भारी भारी लाइट होता है और हम लोग हाथ से उठा कर ले जाते हैं। तो आप लोग को मैं सेटअप दिखाया था, अभी देख सकते हैं कितना तोड़ तार को पूरा बराबर कर दिया गया। तो इस तरह से शूटिंग होता है, एक ही सेटअप से हजारों शूटिंग हो जाता है भाई, समझ सकते हैं कितना आदमी सेटअप वाला पैसा कमाता होगा। अरे ये क्या था, तो अभी शूटिंग समाप्त होने के बाद में देख सकते हैं पूरा फिर से हम लोग सामान को लपेट चुके हैं और इधर दिखाता हूं आपको सेटअप, देख सकते हैं किस तरह से पूरा तोड़ दिया गया है। और यहां पे पैसा बता दूं, यहां पे हम लोग को 1500 रुपया मिलेगा और 200 रुपया कन्वेंस मिलेगा। यहां पे जितना भी पिक्चर बड़ा बड़ा है या छोटा भी है, जो भी वेब सीरीज है, जो भी रिलीज हुआ है और नेटफ्लिक्स पे अपलोड हुआ है, वो सारी पिक्चर यहीं से प्रमोशन होता है और हम लोग ही करते हैं, हम लोग ही यहाँ से शूट करते हैं। आप लोग को बता दूँ मैं, हम लोग क्रिकेट का हो गया, जुआ का हो गया, बीजेपी या उससे कोई सरकार का ऐड हो गया, या मतलब हर चीज़ का हम लोग शूट करते हैं। हम लोग का एक टीम है, उसी में हम लोग सब शूट करते हैं। और यहाँ पे मुंबई में बहुत ऐसा कंपनी है जो बहुत सारा बड़ा बड़ा पिक्चर का, कोई गाड़ी का, हर चीज़ का यहाँ पे भाई शूट होता है, जो आप लोग मोबाइल में देखते हैं, प्रचार, एसनो पाउडर, लाली लूट, लाली लिपस्टिक, जो भी देखते हैं सबका शूट होता है भाई। और हम ही लोग करते हैं, ऐसा नहीं सबका मैं ही करता हूँ, नहीं, लेकिन अधिकतर है कि जो हम लोग करते हैं शूट वो आप लोग को मैं वीडियो बताता हूँ बना के। और मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि जो हम लोग लाइट मैन हो गए, कैमरा लाइट मैन हो गए, कैमरा अटेंडेंस हो गया, जो भी स्पोर्ट बॉय हो गया, जो भी वर्कर है काम करने वाला, उन लोग काम दिखाता हूँ मैं, अपना काम दिखाता हूँ कि हम लोग कैसे काम करते हैं, रोज़ का काम क्या रहता है, रोज़ का खाना पीना क्या रहता है। हाँ, बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि क्या भाई खाना हमेशा मिलता है, तो मैं बता दूँ आप लोग को कि खाना भाई खाना 2 टाइम मिलता है, ठीक है, मैं बताता हूँ। 12 घंटे का शिफ्ट है, सुबह 6 बजे आप लोग को नाश्ता मिलेगा, दोपहर में खाना मिल जाएगा, फिर शाम को 6 बजे आप लोग को नाश्ता मिलेगा, और रात में अगर ज़्यादा लेट होगा तो 11 बजे फिर से आपको खाना मिलेगा। तो इस तरह का फिल्म लाइन का एक ज़िंदगी है जो वर्कर का है, सब भाई वर्कर ही काम करते हैं। और ऐसा नहीं यहाँ पे प्रोड्यूसर है, डीओपी थोड़ी है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर थोड़ी है, सब कोई काम करता है, प्रोड्यूसर भी यहाँ पे काम करता है, डायरेक्टर भी काम करता है, कैमरा मैन भी, हर बड़ा से बड़ा सब कोई काम करता है, हम लोग भी एक वर्कर हैं। जो भी यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, कोई भी बनावट नहीं बताता हूँ, कोई भी मिलावट नहीं बताता हूँ। तो आप लोग को वीडियो मेरा कैसा लगता है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा भाई, काफ़ी मेहनत करता हूँ हम लोग, वीडियो भी बनाने में, शूटिंग भी करने में, सब काम में हम लोग मेहनत करते हैं। तो आप लोग का तो एक हक बनता है भाई, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।